नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के गांव माकड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने एक व्यक्ति के घर से एक पेटी अवैध शराब, 68 लीटर डीजल, 45 लीटर पेट्रोल के साथ 23 सिलेंडर को बरामद किया है। इसकी पुष्टि डीएसपी नैना देवी संजय शर्मा ने की। जानकारी के मुताबिक करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टीम से पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रेमलाल के घर में अवैध शराब का जखीरा पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर पर रेड की और वहां से अवैध शराब बरामद कर ली है। एनजीओ है, वो आए थे, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि एक जगह पे एक बंदा है जो कि नंबर 2 का काम करता है। बेसिकली उसके पास सिलेंडर्स, दारू और पेट्रोल डीजल वगैरह हो सकता है। तो हमने उसी टाइम एक टीम बनाई जिसका हेड कांस्टेबल हमारी नैना देवी चौकी के हैं, उन्होंने हेड उसको इसकी अगुवाई की और वहाँ पे जाके रेड की। तो जब वहाँ पे रेड की, उसने वहाँ पे 12 बोतल शराब, देसी संतरा मिली है, डीजल 34 लीटर मिला है, 34 बोतल्स मिली हैं, 68 लीटर टोटल है और पेट्रोल 43 लीटर है और 23 गैस सिलेंडर मिले हैं जो 12 इंडेन के हैं और 11 HP के हैं। उसके बाद इसका नाम प्रेम सागर है, इसको अरेस्ट करके, क्योंकि बेलेबल है, इसको बेल कर दी गई। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बिलासपुर से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।